हेलो दोस्तों, आई की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मखनी दाल बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने उड़द दाल ली है, जिसको मैंने भिगो के रखा है 4 घंटे। इसमें मैंने एक मुट्ठी राजमा डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने ली है आधा कटोरी चने की दाल, इसको भी मैंने अलग से भिगो दिया है। क्रीम है डालने के लिए, इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, थोड़ा मक्खन, मखनी दाल है तो मक्खन तो चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये टमाटर, हरी मिर्च और एक प्याज। मैं दाल को चढ़ाती हूँ अब कुकर में। कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है, अब मैं इसमें चना दाल भी डाल रही हूँ। दाल कुकर में आ गई है, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ दोस्तों, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी, अभी इतना ही, बाकी मसाले तड़के के साथ। पानी इतना हो कि उसमें दाल अच्छे से डूब जाए और करीब करीब आधी उंगल ऊपर रहे उसमें पानी। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, सीटी आ जाएगी तो गैस को स्लो करके इसे हमें 20 मिनट तक पकाना है। दाल उबल गई है दोस्तों, इतने कुकर ठंडा होता है। इतनी देर में मैं प्याज और टमाटर पीस लेती हूँ। दाल में तड़के के लिए गैस ऑन कर दी और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। चाहो तो घी का तड़का भी लगा सकते हो, पर मैं घी बाद में डालूँगी। इधर मेरी ये दाल उबल गई है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। चने की दाल दोस्तों इसमें इसलिए डाली है ताकि उड़द की दाल से इसका कलर बिल्कुल काला काला ना हो जाए, और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ता है। तेल गरम हो रहा है, अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच जीरा, प्याज जो मैंने पीसी है। प्याज को 2 मिनट भून के दोस्तों इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, इसको भी अच्छे से भून लेना है। प्याज भून गई है, अब इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला मिक्स करके, मसाला भून जाए तो टमाटो प्यूरी। टमाटर को अच्छे से भून लेना है, जब तेल छोड़ने लगे तो समझो पक गए। दोस्तों टमाटर पक गए हैं, कढ़ाई में तेल छोड़ दिया इन्होंने। आई की रसोई में आएं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाएं, बनाएं। और हाँ दोस्तों, स्पेशलिस्टी ये है आई की रसोई की कि मैं कम मसाले इस्तेमाल करती हूँ सब्जी में। सब्जी में सब्जी का टेस्ट ज़्यादा आता है, मसालों का कम, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। टमाटर भुन गए हैं, अब मैं इसमें दाल डाल दूं। दाल मिला दी है मैंने तड़के में, अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डाल रही हूँ, ऑप्शनल ही है, किसी को पसंद है तो खाएं, नहीं तो अवॉइड कर दें, बट इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। इसको 5 मिनट उबाल के पका लेते हैं ढक के। 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है दाल में आ जाए और घी का, उसके बाद ये रेडी। दाल उबल गई है मेरी, पक गई अच्छे से, लास्ट स्टेज है, और अब मैं इसमें मक्खन डालूँगी, तभी तो ये दाल मखनी कहलाएगी। 1 बड़ा चम्मच मक्खन। दाल तैयार है दोस्तों, बिल्कुल कितना सुंदर कलर आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी होगी,
बनाएं खाएं आई की रसोई की दाल।